गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ा रहे थे कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र, जिसमें आज का टॉपिक है ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर, कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन और व्यापारिक उपयोग में कंप्यूटर, कंप्यूटर इन कमर्शियल एप्लीकेशन और एक एट लास्ट आपका है औद्योगिक उपयोग में कंप्यूटर, कंप्यूटर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जिसमें ऑफिस के ऑटोमेशन में कंप्यूटर की ये भूमिका है कि कंप्यूटर से पेपरलेस, पहले पेपरलेस ऑफिस के जो कागज कामकाज होते हैं उसमें कागज विहीन करना कल्पना, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में लगभग 1,000 बिलियन डॉक्यूमेंट्स का निर्माण किया जाता है, जिसमें हर वर्ष 70% वृद्धि होती है। इसलिए ऑफिस के कार्यों में तेजी लाने व कागज की बचत के लिए एक ऐसे ऑफिस की परिकल्पना की गई जो कागज विहीन हो तथा जिसमें सारे कार्य कंप्यूटर की सहायता से हो। ऐसे ऑफिस में ऑफिस के प्रत्येक कर्मचारी के पास कंप्यूटर होता है, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट का निर्माण व उसका रखरखाव किया जाता है। ये कंप्यूटर न केवल डॉक्यूमेंट के रखरखाव के काम आते हैं, बल्कि ये ऑफिस के अन्य कार्य सुविधाएं जैसे कम्युनिकेशन, ईमेल और वॉइस मेल आदि प्रदान करते हैं। ऐसे ऑफिस में दस्तावेज के निर्माण के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड तथा आंतरिक हिसाब के रखरखाव के लिए स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, डेटा तैयार करने के लिए प्रोग्राम जैसे एमएस एक्सेल, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और फॉक्सरो आदि का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक उद्योग में कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभ में न केवल वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता था, इसके बाहर के क्षेत्र में पहली बार व्यापारिक कार्यों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग शुरू हुआ। व्यापारिक कार्यों में हमारा ये कहने का मतलब है कि सामान्य हिसाब किताब करने और सूचनाएं रखने जैसे लिखने वाले कार्यों से है। वास्तव में जो कार्यालय होते थे उसमें कंप्यूटर के उपयोग हेतु उचित वातावरण पहले से ही था, क्योंकि कंप्यूटर के आविष्कार से पहले ही लेखन कार्यों में छिद्रित कार्डों के द्वारा हिसाब किताब मशीन और जोड़ने की मशीन, एडिटिंग मशीन और अकाउंटिंग मशीन जैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसमें कंप्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ होना आसान रहा। इसकी सफलता ने अन्य प्रयोगों के लिए मार्ग दिखाया। वर्तमान में लगभग सभी तरह के व्यापारिक कार्यों का अब कंप्यूटरीकरण हो चुका है, जिसमें तमाम छोटी बड़ी कंपनीज अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहने लगी हैं। जिन व्यापारिक कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है उनकी सूची बहुत लंबी है, लेकिन प्रमुख रूप से गणना, कर्मी प्रबंध, स्टॉक नियंत्रण और खातांक आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। औद्योगिक उपयोग में कंप्यूटर, विभिन्न उद्योगों में कंप्यूटर की सहायता से उत्पादन की योजना, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण का कार्य अधिक प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से किसी वस्तु के निर्माण के लिए विभिन्न मशीन टूल्स की क्रियाओं का निर्धारण किया जा सकता है, साथ ही विभिन्न पुर्जों को जोड़कर, असेंबल कर विभिन्न उपकरणों के निर्माण का कार्य भी अधिक अच्छी तरह और कम समय में संपन्न किया जा सकता है। इससे भी आगे बढ़कर कई जटिल मशीनों के कार्य का पूर्ण स्वचालन भी किया जा सकता है, जिसमें संख्या नियंत्रण मशीनें, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें न केवल उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बल्कि बेकार हो जाने वाले कतरनों, वेस्टेज या रद्दी माल की मात्रा भी कम की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कंप्यूटर उत्पादन में अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। ऐसे कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कागज एवं छपाई, पेपर और प्रिंटिंग इत्यादि। इसके बाद का टॉपिक है आपका कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक।